सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स में से सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर में से। सो पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, जीरो, सॉरी जीरो नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं टू नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा कितने कितने ऑप्शंस, कितने हमारे पास यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। अच्छा जब सिलेक्शन करना होता है तब आप लोगों को पता होगा कि क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है। अब हमें सेलेक्ट करना है सिक्स पॉजिटिव इंटीजर में से सिर्फ दो सेलेक्ट करना है। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो जो सैंपल स्पेस होगा ना स्टूडेंट्स वो देखो कैसे आ जाएगा। पहले सिक्स में से एक को सेलेक्ट करोगे, पहले टोटल कितने पॉजिटिव इंटीजर है, सिक्स है, तो सिक्स में से अगर एक को सेलेक्ट करना है तो सिक्स सी वन लिखोगे। अब यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो अब कितना बचेगा, फाइव, तो 5C1। ये समझा कैसे आया, ये यहाँ पे ना जो सी रहता है इसके यहाँ पे हमारे पास में रहता है ये कितने ऑप्शन है अपने पास में, और यहाँ पे लिखना होता है कितना सेलेक्ट करना है हमें। अब जैसे टोटल सिक्स था, सिक्स में से फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, अभी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। अगर रिप्लेसमेंट होता था तो यहाँ पे 6C2 ऐसे डायरेक्ट लिख देते थे हम लोग, बट यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है तो मतलब पहले सिक्स में से एक को सेलेक्ट करोगे, फिर बाकी जो बचेगा, अब कितना है यहाँ पे रिमेनिंग, कितने होंगे, फाइव, फाइव में से एक को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे पहले कितना था, सिक्स था, सिक्स में से एक सेलेक्ट किया तो अभी रिमेनिंग कितना हो जाएगा, फाइव, फाइव में से एक सेलेक्ट किया। देख रहे दो बार हमें यहाँ पे दो नंबर को सेलेक्ट करना है। सो सिक्स सी वन का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना होता है, सिक्स होता है। जिसके बेस में सी वन होगा उसका वैल्यू जो यहाँ पे रहता है वही आता है, इसका वैल्यू सिक्स और इसका वैल्यू फाइव। तो कितने ऑप्शंस अपने पास ऐसे अवेलेबल होंगे, 30 ऑप्शंस। तो पहले सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना आप लोगों को समझा, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स, लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स, मतलब ऐसे दो नंबर हमें सेलेक्ट करना है जिसमें से जैसे समझ लो वन और टू को सेलेक्ट किया, वन और टू में ग्रेटर कौन है, टू है, तो वो नंबर है एक्स का, मतलब क्या है फिर यहाँ पे वैल्यू टू आ जाएगा। लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स मतलब जो दो नंबर हमने सेलेक्ट किया ना उसमें से जो बड़ा नंबर होगा वो किसका होगा, एक्स का। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग लिख देते हैं, सिक्स क्या होगा, वन आएगा, टू, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको एक्स मत लिखना क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले नंबर देखो, वन और टू में, वन टू में बड़ा कौन है, टू है, तो एक्स का वैल्यू टू पॉसिबल हो सकता है, वन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वन जो है सबसे छोटा नंबर है इसमें, और इसमें क्या बोला है, लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स, दो नंबर आने चाहिए। जैसे समझ लो वन के साथ में टू आ गया तो वन तो छोटा नंबर है तो वन नहीं लिखना है, किसको लिखोगे, टू को लिखोगे। अच्छा टू थ्री में बड़ा कौन है, थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिखेंगे, फिर थ्री फोर में बड़ा कौन है, फोर, फोर फाइव में फाइव, फाइव सिक्स में सिक्स। तो जब भी दो नंबर यहाँ पे किसी भी दो नंबर का पेयरिंग होगा तो उसमें से हमेशा याद रखना वन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वन किसी से भी बड़ा नंबर नहीं है, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर ऑफ दी टू नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें लार्जर नंबर लिखना होता है। तो देखो टू किससे बड़ा है, वन से, थ्री किससे बड़ा है, यहाँ पे टू से, फोर किससे बड़ा है, वन से भी, टू से भी, थ्री से भी बड़ा है। तो ये समझा एक्स का वैल्यू कैसे आया, मतलब इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू रहेगी तो उसको नहीं लिखने का। हाँ क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें क्या बोला है ना, एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो दो नंबर है ना उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब दो नंबर का मतलब ग्रुप कैसे बन सकता है, जैसे वन के साथ में टू आ गया तो वन टू में बड़ा कौन है, टू, तो टू लिखेंगे। अच्छा वन के साथ में थ्री आ गया तो थ्री बड़ा है तो वही लिखेंगे, वन के साथ फोर आ गया तो फोर बड़ा नंबर है, वन के साथ फाइव तो फाइव, वन के साथ सिक्स आ गया तो सिक्स। तो इसका मतलब यह है कि वन यहाँ पे देखोगे किसी के साथ में भी अगर आता है तो वो वन जो है वो स्मॉलर नंबर है, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वन को छोड़ के कोई भी नंबर आ सकता है। क्लियर हुआ ये,
कि वापस एक्सप्लेन करूँ ये. सबसे पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर्स कंसीडर करने थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए. हाँ, अब विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 6 में से पहले एक को सिलेक्ट किया, बट बाकी अभी कितने बचेंगे, 5, तो 5 में से और एक दूसरा सिलेक्ट किया, तो 6C1 मतलब 6, 5C1 मतलब 5, तो टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 30 है. X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था डिनोट लार्जर ऑफ टू नंबर्स, लार्जर ऑफ टू नंबर्स बोला था. तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है यहाँ पे, मतलब 6 तो आएगा वैसे, बट 1 जो है वो सबसे स्मॉलर नंबर है, इसलिए 1 नहीं आएगा. बाकी लोगों को समझाना अच्छे से. ठीक है, सो x का वैल्यू जब 2 होगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2, अच्छा 2 कब कब ग्रेटर होगा, 2 जब है 2 कब कब ग्रेटर होगा, मतलब ऐसे कौन से दो इवेंट आएंगे जब वहां पे 2 ग्रेटर होगा. 1 के साथ में 2 आ सकता है या फिर 2 के साथ में 1 आ सकता है, ऐसे दो प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगे. देखो x का वैल्यू 2 कब आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 2 कब कब आ सकता है, जब 1 के साथ में 2 आया या फिर 2 के साथ में 1, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, 1, 2, 2, 1, तो ऐसी दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो प्रोबेबिलिटी है वो x इक्वल्स टू 2 के लिए, वो क्या आएगा, 2 आउट ऑफ कितने में से, 30 में से, तो 2/30. तो हमने 2 के लिए लिखा, अब 3 के लिए लिखते हैं. अच्छा 3 किससे किससे बड़ा है, देखो जो 3 है ना वो 1 से ग्रेटर है, सॉरी 1 से ग्रेटर है और 2 से ग्रेटर है, और विदाउट रिप्लेसमेंट. सर वीडियो स्टक हो गया, जो 3 है वो किससे ग्रेटर है, 1 से और 2 से. हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर, वीडियो फ्रीज हो गया आपका. हेलो, किसी को नहीं दिखा रहे हैं अभिषेक, वी कैन सी द वीडियो, कैन यू रीकनेक्ट. नो सर, बाकी सबको तो दिख रहा है आई थिंक. अच्छा अच्छा सर, हाँ, तो यहाँ पे जो x equals to 3 कब कब आ सकता है, मतलब x, ये जो larger number 3 कब कब आ सकता है, ये जो 3 है वो greater number किससे किससे होगा, 1 और 2 से, 3 से नहीं हो सकता because यहाँ पे without replacement बोला है, तो 1 और 2 से greater जो है वो 3 है, तो 3 1 के साथ में आ सकता है, 3 2 के साथ में भी आ सकता है, और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 3, 1. हमें मतलब ऐसा नंबर कंसिडर करने हैं, दो नंबर जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इसमें 3 रहेंगे. तो इसमें 1, 3 में भी देखोगे मैक्सिमम 3 है, 2, 3 में भी 3 बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी, सर यहाँ पे मैंने दोनों साथ में लिख दिया, 3, 2 आ जाएगा. हाँ बराबर, सॉरी, ये 1, 3, 2, 3, फिर 3, 2, 1, 3, 1 आ जाएगा. सो यहाँ पे कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 4 out of 30. तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमने 2 को लिखा और 3 के लिए प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए फाइंड कर लिया. अब 4 के लिए इसमें देखना है, पॉजिटिव इंटीजर में 4 किससे किससे बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से बड़ा है. सो यहाँ पे x इक्वल्स टू हम लोग जब 4 लिखेंगे तो 4 किससे किससे बड़ा है, 1, 2, 3 से, तो 1 के साथ एक बार 4 लिखिएगा, फिर 2 के साथ एक बार 4 और 3 के साथ एक बार 4, फिर इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दो, 4, 3, 4, 2 और 4, 1. तो ऐसे कितने हमें सैंपल स्पेस मिले, मतलब ऐसा कितना इवेंट मिला, 6 out of 30, तो 6/30 आ जाएगा. नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स 5 है. 5 किससे किससे ग्रेटर है, आप लोगों को सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है सबसे, जो x है वो लार्जर नंबर है, लार्जर ऑफ द टू नंबर से. सो हमें ऐसे दो नंबर कंसिडर करना है जिसमें से वो जो, मतलब यहाँ पे जैसे 2 है तो वो 2 मैक्सिमम होना चाहिए, 3 है तो 3 मैक्सिमम होना चाहिए. हमने 2, 3 और 4 के लिए लिखा, अब नेक्स्ट 5 के लिए. 5 किससे किससे बड़ा है, 5 जो है वो 1, 2, 3, 4 से बड़ा है. तो पहले 1 को 5 के साथ लिखोगे, 2 को 4 के साथ, सॉरी 2 को 5 के साथ, 3, 5, 4, 5, ऐसे हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4. अब इसका रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, 1, सर, बोल. सर, उसके रिपीट कर सर, 6 के बाद से सर, मेरा वीडियो फ्रीज हो गया था.
एक मिनट रुक, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा x इक्वल्स टू 5 के लिए, यहाँ पे देखोगे तो ये 8 है, 8 अपॉन क्या आ जाएगा 13। एक ऐसा दिया गया था यहाँ पे सैंपल स्पेस लिखा पहले 30 और यहाँ पे ये हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। अब x का वैल्यू जब 2 होगा, तो x का वैल्यू जब 2 होगा इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे दो नंबर कंसिडर करने हैं जहां पे जो नंबर दोनों होंगे उसमें से ग्रेटर ना 2 ही आना चाहिए। तो इसमें से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो सेलेक्ट करेंगे, जैसे अब 2 किससे ग्रेटर है 1 से, तो 1 के साथ में 2 लिखो और इसका रिवर्स ऑर्डर भी 2, 1, 1, 2, 2, 1, तो ऐसे टोटल हमें दो इवेंट मिल जाएंगे, तो 2/30 हो जाएगा। 3 के लिए 3 किससे किससे बड़ा है, 1 से और 2 से, तो एक बार 1 के साथ 3 लिखो, एक बार 2 के साथ 3 लिखो, इसका रिवर्स ऑर्डर लिखना है, ऐसे 4 इवेंट मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट 4 है, 4 किससे किससे ग्रेटर है, 1 से, 2 से, 3 से, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, फिर उसके साथ में 4, 4, 4, इसका रिवर्स ऑर्डर वैसे लिख देना है, ठीक है। 6 हो गया, 5 के लिए भी हमने वैसे ही लिखा है। लास्ट अब 6 के लिए, 6 जो है वो सबसे ग्रेटर नंबर है, मतलब 1 से लेके 5 तक सबसे ग्रेटर है, तो उसको सबके साथ लिखो, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 और 5, 6। अब इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिखना पड़ेगा अपने को, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6, 1, 6, 2, ये सब प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, 6, 3, 6, 4, 6, 6, sorry, 6, 5। तो यहाँ पे कितना गया प्रोबेबिलिटी जो है x इक्वल्स टू 6 के लिए 10 आउट ऑफ 30। तो काउंट करते हैं, इसमें 2 है और इसमें 4 है, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना होगा 20, और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 30/30, मतलब हमारा सम जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहले आप लोग ये बताओ, आपको ये मतलब x का वैल्यू कैसे फाइंड किया और इसका प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट किया, ये सब समझा अच्छे से सबको? अरे मोहम्मद बहुत अच्छी बात है, नहीं ये देखा है अब तक वीडियो, ये कितना सारा हो गया, उसके बाद में जा रही हूं लेक्चर के लिए। फीफा वीडियो मतलब ऑडियो पॉज करो, रिम्यूट करो, सबको समझाना ये। हाँ सो उसके बाद में अब इसको ना एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम इसको वर्टिकल में लिखेंगे, तो पहले x का कॉलम आएगा फिर p ऑफ x का कॉलम आ जाएगा। x के लिए कौन कौन है नंबर यहाँ पे, 2 है, 3, 4, 5 और 6 है। 2 के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 2 के लिए हमारा है 2/30 था, इसमें 4/30, इसमें 6/30, इसमें 8/30 और इसमें 10/30। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, सो एक्स आई इंटू पी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करोगे, तो जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने 4/30, 3 को 4 के साथ किया तो 12/30, और फिर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24/30, 8 इंटू 5 40/30, 3/30, तो सब इनको प्लस कर देते हैं, तो therefore यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। सो स्टूडेंट्स इसको सबको ऐड करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये देखो, अभी मोहम्मद कितना आया था, 140/30 आ जाएगा, तो 0, 0 कैंसिल होके 14/3, इसको डिवाइड कर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सो ये था हमारा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.67। अच्छा वेरी गुड, 4.67, तो समझ रहे हैं ना आप लोगों को ये सम? यस सर। तो नेक्स्ट सम 14th वाला सम, हाँ इस पे
और 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा. लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड when two dice two when two fair dice are rolled when two fair dice are rolled find the standard deviation of x. standard deviation अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हमें कैसे मिलता है, ये हमें variance से मिलता है, under root of variance of x होता है. find क्या बोला है, standard deviation of x. इसके लिए आप लोगों को सैंपल स्पेस पूरा लिखना होगा क्योंकि इसमें सम कैलकुलेट करना है. सो इवेंट क्या दिया है, एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड. सो यहाँ पे दो डाइस है, टू फेयर डाइस बोला गया है, तो जो जब दो डाइस होंगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस कितना आता है, 36 आता है. तो पहले हम लोग एस इज इक्वल्स टू लिखते हैं. यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, सॉरी व्हेन टू डाइस आर रोल्ड, तो एस इज इक्वल्स टू 1 1. इसमें पूरा लिखो हाँ अच्छे से क्योंकि हमें सम कैलकुलेट करना है, तो कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, नेक्स्ट में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. सेम वैसे यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. लास्ट रो के लिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6. तो सैंपल स्पेस टोटल है वो कितना आ जाएगा, 36. उसके बाद में अब यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड. सम ऑफ नंबर्स बोला है, सम ऑफ नंबर्स बोला है. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो ये डाइस को हमने थ्रो किया था, इसका सम कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा 2, अच्छा 1 + 2 कितना होगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3. तो देखोगे ना सम जो है वो ऐसे, मतलब 2 के लिए ये हो जाएगा, मैं पास कर रहा हूँ बट आप लोग नहीं करना. 3 के लिए देखो ये आ जाएगा, जब x का वैल्यू 2 आएगा तब ये एक ही इवेंट आएगा, 3 के लिए ये दो इवेंट आएंगे, मतलब x का वैल्यू 2 होगा 3 होगा. फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे 3 + 1 कितना होगा 4, 2 + 2 कितना होगा 4, 1 + 3 भी कितना होगा 4. तो ये कितना आ जाएगा जब x का वैल्यू 4 होगा. फिर नेक्स्ट 5 के लिए ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है 6 के लिए 5 1 4 2 3 3 2 4 और 1 5, ठीक है 7 के लिए कौन कौन आ जाएगा, 6 1 आएगा, 5 2 आएगा, 4 3 आएगा, 3 4 आएगा, 2 5 आएगा और 1 6 आ जाएगा. समझ रहे हैं आप लोगों को क्या ये मैं लिख कर रहा हूं, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5, ये x इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 7. देख रहे हो ये 7 तक ऐसा मिल गया, 8 कब कब मिलेगा, 6 2 पे मिलेगा, 5 3 पे मिलेगा, 4 4 पे मिलेगा, 3 5 पे मिलेगा, 2 6 पे मिल जाएगा. और फिर 9 कब कब मिलेगा, 6 3, 5 4 4 5 3 6. 10 कब कब मिलेगा, 6 4 5 5 4 6. 11 ऐसे और ये 12 के लिए. तो ये किसके लिए होगा, 8 के लिए हो जाएगा, ये 9 के लिए, ये 10 के लिए और ये 11 के लिए और 12 के लिए. तो अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसमें
जब टू होगा तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, थ्री होगा उसके दले दो एलिमेंट, फोर के लिए थ्री एलिमेंट्स आ रहे हैं, फाइव के लिए फोर एलिमेंट्स आ रहे हैं, सिक्स के लिए फाइव, सेवन के लिए यहाँ पे सिक्स एलिमेंट आ रहे हैं, फिर डिक्रीज, फिर ये कितना हो जाएगा फाइव थ्री टू और वन आ जाएगा आ रहा है। एक्स क्या है यहाँ पे जो सबसे मिनिमम नंबर आएगा, सबसे मिनिमम नंबर प्लस करने के बाद वन प्लस वन कितना होगा टू, और सबसे मैक्सिमम नंबर कितना आ जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखिएगा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर और सम ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट। तो जो यहाँ पे नंबर्स प्लस करेंगे हम लोग, नंबर्स को अगर प्लस करोगे तो सबसे मिनिमम नंबर कितना आएगा टू आएगा, और सबसे मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा ट्वेल्व आ जाएगा। उसके बीच में क्या आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व आ जाएगा, ठीक है। तो टू ट्वेल्व तक आ जाए, एक्स का वैल्यू टू कितनी बार है एक, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स और यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर्स लिखो टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, ठीक है। एक रखना नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो भी है। अच्छा टू एक ही बार है आउट ऑफ 36 में, टेन अपॉन 36, थ्री कितनी बार है टू टाइम्स है तो ये टू अपॉन 36, फोर थ्री टाइम्स है तो थ्री अपॉन 6, फाइव कितनी बार है फोर टाइम्स है तो फोर अपॉन 36, फाइव सिक्स कितनी बार है फाइव टाइम्स है तो फाइव अपॉन 36, सेवन जो है वो कितनी बार है सिक्स टाइम्स है सो सिक्स अपॉन 36। उसके बाद वापस डिक्रीज हो गया, ये कितनी बार है फाइव, ये फोर, ये थ्री और यहाँ पे टू और लास्ट में वन। ये समझा आप लोगों को कैसे लिखा मैंने, इसका मतलब है जब x का वैल्यू टू होगा तो कौन सा प्रोबेबिलिटी मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा जो कि वन वन होगा। तो ये पूरा एक ही इवेंट है आउट ऑफ 36, तो वन अपॉन 36। यहाँ पे देखो ये जैसे वन वन हो गया, एक ही मिला, टू वन वन टू, ये दो बार है तो इसलिए यहाँ पे थ्री के लिए दो इवेंट मिले, ऐसे हमने लिखा इसको पहले। अच्छा थैंक यू। अब इसमें क्या करेंगे ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ये एक्स आई हमारा हो जाएगा और ये पी आई हो जाएगा। जब भी वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होगा तब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना ही पड़ता है। तो पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई इंटू पी आई, सॉरी। तो जब मल्टी करोगे तो टू को वन के साथ करो तो ये क्या जाएगा टू अपॉन 36, थ्री को टू के साथ करोगे तो सिक्स अपॉन 36, ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन 36, यहाँ पे 30 अपॉन 36, 42 अपॉन 36, ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 36, 36 अपॉन 36, 30 अपॉन 36, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 22 अपॉन 36, लास्ट वन 12 अपॉन 36। तो इनको एक बार प्लस करते हैं, सो प्लस करो कितना आ जाएगा बताओ, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 30 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा ये 110, ये 150 हो जाएगा, 150, 180, और फिर इसके बाद में ये 210 और बाकी 220 आ जाएगा। एक बार देख लो, आप भी काउंट करो एक बार कितना आ रहा है, ये 220 है क्या, देखो
अच्छा 252 आ रहा है, हाँ 252 बराबर। तो इसको काउंट करने के बाद ये जो है वो, एक मैडम, बराबर 252। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, बराबर महालक्ष्मी, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है यहाँ पे सिग्मा एक्स आई पी आई कितना मिला हमें 252 आउट ऑफ 36। तो 252 को अगर 36 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना जाएगा, ये इसको 1/3 मतलब 7 बराबर, सो ये 7 आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या मिला, 7 मिल गया। अब हमें वेरिएंस निकालने के लिए, अगर आप लोगों को याद होगा वेरिएंस कैसे निकालते थे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, xi square into pi। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब है, 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4/36, फिर ये कितना हो जाएगा 18/36, फिर ये कितना होगा 12 into 4 48/36, ये कितना हो जाएगा 100/36, फिर ये 180/36, 42 into 7, 7 2 14 कैरी 1 और 294/36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 into 4 32, 320/36, फिर 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 304/36, और फिर ये कितना आ जाएगा 300/36, 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 242/36, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144/36। सो अब हमें जो वेरिएंस के लिए इसको भी प्लस करना पड़ता था, इसको प्लस करना पड़ता था, इसको प्लस करोगे तो आप लोगों को कुछ कितना ये हो जाएगा, मोबाइल में फिलहाल के लिए अगर कैलसी वगैरह होगा तो, कैलकुलेटर वगैरह होगा तो वो एक बार काउंट करो कितना हो रहा है। (9 into 360) 36, 1 minute, थैंक यू। इसको प्लस करोगे ना आप लोग तो कुछ 1974 आएगा, 1974/ कितना हो जाएगा ये 36। सो 1974/36 इसको अगर हम लोग वापस 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 3 18 1 हो जाएगा, 6 2 12 तो 5 आ जाएगा, और 9 times 54 और ये 6 वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया ये टर्म। अब इसके बाद में वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। सो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई कितना मिला, 329/6 मिला, माइनस ऑफ एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा 329 अपॉन 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग? हाँ तो इसके बाद क्या करना आप लोग, जैसे ये हो जाएगा इसमें जो भी हमें आंसर मिलेगा ना उसको अंडर रूट में लिख के स्क्वायर रूट का फाइंड कर लोगे, अंडर रूट में लिख के उसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। या फिर आप लोग क्या करना है ना ये जो 329 है इसको और सिंपलीफाई कर दो तो ये कितना मिल जाएगा हमें 54 समथिंग कुछ मिलेगा 54.83 मिल जाएगा 54.83। सो ये 54.83 माइनस क्या होगा 49। सो अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे 54 माइनस 83 माइनस ऑफ 49 तो 5.83 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 5.83। अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी लिखना और एक्स लिख देना और इसके लिए अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स तो अंडर रूट वैसे लिखोगे 5.83। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे लॉग टेबल में ना 5.8 का 3 में देखने का 5. अगर 3 में देखोगे जो आंसर होगा उसमें फर्स्ट पॉइंट पे डेसिमल लगा देना मतलब यहां से फर्स्ट डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा 5.83 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है ये उसके बाद में एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स देखो क्या दिया है अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले हमने और पी आई को मल्टीप्लाई मिला मल्टीप्लाई किया तो हमें जाके एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई मिल गया। अच्छा कितना आया 2.415। थैंक यू मोहम्मदा। ठीक है महालक्ष्मी नेक्स्ट सम है अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर यहाँ पे हमें 15 स्टूडेंट्स का ना एज यहाँ पे गिवन है 14 है 17 है 15 14 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17 और फिर 16, 19 and 20। यह मेरा observations given है पहले से ही। फिफ्टीन स्टूडेंट्स का एज यहाँ पे गिवन है। आवाज आ रही है? वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच मैनर
बैनर which has the same chance of being chosen, which has the same chance of being selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? What is the probability, मतलब पहले हमें table find करना है. What is the probability distribution of random variable, of the random variable x? और क्या पूछा है इसमें? फाइंड करना है हमें, मीन कैलकुलेट करना है इसमें, बहुत सारा फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट करना है, मीन भी कैलकुलेट करना है, वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी कैलकुलेट करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में इतना है. यहाँ पे देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है. अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 15 है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पे? 15 है, जिनका एज दिया हुआ है. क्या दिया है यहाँ पे? एज दिया है. अब एज यहाँ पे है 14 वगैरह से लेके 20 तक, ऐसा दिया है यहाँ पे. वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस. इसका मतलब किसी भी स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सबके लिए कॉमन ही होगा. सबके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? कॉमन है. अच्छा, उसके बाद में एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेलेक्टेड स्टूडेंट. जो स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया उसका एज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम लोग पहले यहाँ पे एक्स को और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं. लेट एक्स क्या है? बी द एज ऑफ student selected. हमने x को consider किया, एज है वो जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया. अब एज ऑफ स्टूडेंट क्या क्या दिया है यहाँ पे? एज ऑफ स्टूडेंट क्या क्या है यहाँ पे? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ये 14 है, फिर 17 है, 15 है, 14 है, 21 है, फिर 17, 19, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ ये जहाँ, 20, 16, 18, 20, 17, 19 एंड 20, ये ऐसा दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है. अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि 14 अगर दो बार है तो उसको दो बार लिखना पड़ेगा, एक ही बार लिखना पड़ेगा. एज तो सेम है ना उनका. तो देखो सबसे मिनिमम कौन सा नंबर है? सबसे मिनिमम इसमें 14 है. 14, हाँ बराबर 14 है. फिर क्या है? 15, फिर 16 है, 17 है, 18, फिर 19 और फिर 20, 21 भी है. तो यहाँ पे ये ऐसे नंबर्स है, मतलब जो रेंज है ना, मिनिमम 14 है और मैक्स टू मैक्स जो है वो कितना है? 21 है. तो हम यहाँ पे x लिखते हैं. x जो है वो कितना है? 14 है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 और 21. तो x मतलब क्या था? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को सेलेक्ट किया उसका एज जो होता है वो एक्स है. सो एक्स में ये कोई भी एज आ सकता है. तो एक्स को हमने यहाँ पे एक्स से वर्टिकल में लिखा. अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं जब एज 14 होगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा 14 कब है? देखो कितनी बार आया, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एज 14 है. 14 एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है.
टू टाइम्स है 14, तो यहाँ पे 2, 15 कितनी बार है, एक बार है, 1, हाँ 15 एक बार है, 16 जो है वो 1 और 2, 2 टाइम्स है 16, 17 1, 2 और 3, 1, 2, 3 बराबर, 3 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, जैसे आप लोग टैली मार्क्स लिखते थे ना, टैली मार्क्स जैसे लिखते थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको भी लिख रहे हैं, 18 देखेंगे तो कितनी बार है, एक ही बार है, सो 1, 19 जो है वो 1, 2, 2 टाइम्स है बराबर, 2, 20 जो है 1, 2 और 3, हाँ मतलब 3, और 21 जो है वो 1 टाइम ही है, 1 टाइम बराबर। अच्छा हमें x मिल गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है समझ लेना आप लोग। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 2 है, टोटल कितना है 15 है, तो 2 अपॉन 15 हो जाएगा, मतलब 14 एज में, 14 एज के कितने स्टूडेंट्स थे, 2 आउट ऑफ 15, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 15, 15 के लिए कितना है 1 है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 15, इसके लिए क्या आएगा 2 अपॉन 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 है तो 2 बाय 15, इसके लिए 3 अपॉन 15, इसके लिए 1 अपॉन 15, यहाँ पे भी 2 अपॉन 15 और ये 3 अपॉन 15 और ये 1 अपॉन 15। अच्छा हमें x का टेबल मिल गया और p ऑफ x का टेबल मिल गया, तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो मिल गया ना, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछने के लिए मतलब फाइंड करने के लिए बोला गया था, प्रोबेबिलिटी x और p ऑफ x के लिए हो गया, अब क्या फाइंड करना है, मीन कैलकुलेट कर, मीन मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्ट वाली अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मिलेगा, फर्स्ट और ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करके, सो यहाँ पे चाहिए तो आप लोग वापस लिख सकते हैं x और p of x, x जो नंबर है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे हैं, और यहाँ पे 2 अपॉन 15 2 by 15 और 3 by 15, हाँ महालक्ष्मी सबका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बोला था, जब स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहते हैं तो उनका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम होगा, बट जिसका जिसका क्वांटिटी ज्यादा होगा उसका प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब अब स्टूडेंट तो कोई भी है उनका एज डिफरेंट डिफरेंट है, बट कैसा है कि अगर जैसे सेम, जैसे अगर 15 में से समझ लो 5 स्टूडेंट जो है वो 20 के एज के हैं, तो 20 वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, समझ रहे हो, उनका मेजॉरिटी ज्यादा है ना वहां पे, सो x और p ऑफ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xi और pi को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीन के लिए e of x क्या हो जाएगा, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, xi into pi, xi into pi हम लोग लिखेंगे, तो आप लोग ये मल्टीप्लाई कर रही तो देखो क्या हो जाएगा, ये 28 अपॉन 15, ये 15 अपॉन 15 और ये 32 अपॉन 15, 51 बाय 15 और ये 18 अपॉन 15, 38 अपॉन 15, 60 अपॉन 15 और लास्ट में 21 अपॉन 15, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इन सबको आप लोग खुद से प्लस कर लीजिएगा, वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई, ये xi है और ये pi है, तो जब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, xi स्क्वायर इंटू pi, इसको मल्टीप्लाई करके एड कर लोगे तो यहाँ पे हमें वेरियंस मिल जाएगा, वेरियंस ऑफ x इक्वल्स टू सिग्मा xi square into pi minus sigma xi pi
अब इसका वैल्यू कैलकुलेट किया आपने और इसका वैल्यू तो हमें मिला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेरिएंस मिल जाएगा, वेरिएंस से फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। आज हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन मतलब और वेरिएंस के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सम से वही सॉल्व किए, तो ये सम आप लोग कर लोगे ना खुद से ट्राई? कुछ डाउट है आज के लेक्चर्स में? हाँ, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। हाँ जी सर, थैंक यू। हाँ हाँ।